जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, आज का सीन कुछ इस तरह का है कि फ़िलहाल मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। सो एज़ यू नो गाइस, आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि हमने आज बाहर जाना है, बट सबसे पहले हमने अपना लेक्चर लेना है। सो गाइस, आप लोगों से मिलती हूँ मैं यूनिवर्सिटी चल के। सो गाइस, मैं फाइनली यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी हूँ और आप लोग मौसम देख ही सकते हैं कि आजकल यार फिर से कितनी धूप और गर्मी हो रही है। सो गाइस, फिलहाल मैं अपने डिपार्टमेंट में जा रही हूँ। अभी तो मेरा लेक्चर नहीं है, अभी थोड़ा टाइम है मेरे लेक्चर को। सो गाइस, मैं अपने डिपार्टमेंट में अभी एंटर ही हुई तो मैंने यहाँ पर देखा किसी को फांसी के फंदे लगे हुए थे। जैसे दोस्तों आप लोग देख के डर रहे हो, वैसे मैं भी अचानक से डर गई थी मैं यहाँ पे एंटर हुई। बट गाइस, ये विजुअल आर्ट्स के बच्चों की आज है एग्जीबिशन, तो उन्होंने कोई फांसी के फंदे लगाए हुए हैं, पता नहीं किस तरह के। सो गाइस, मैं अब आ गई हूँ अपने डिपार्टमेंट में और ये हमारा सारा वर्क चल रहा है। बिकॉज हमने प्रीवियस कुछ असाइनमेंट्स थी जो पेंडिंग ऐसी छोड़ी हुई थी, तो हमने डिसाइड किया कि उन्हें आज हम इसको पूरा कर लें। और इसके बाद गाइस हमारा है एम्ब्रॉयडरी का लेक्चर, जो कि बहुत ही बोर होता है बट स्टिल हमें लेना पड़ता ही है। और आप लोग देख ही सकते हो कितनी शदीद किस्म की आज धूप फिर से निकली पड़ी है। सो गाइस, हमारा हो चुका है इस बार लेक्चर स्टार्ट और आप लोग देख ही सकते हैं दोबारा से वो ही गंदी सी लाइब्रेरी में हमारा लेक्चर लिया जा रहा है। ये संदूक मुझे पता नहीं क्या ही लगते हैं लाइब्रेरी के नाम पर। थब्बा, लाइब्रेरी क्या होती है और क्या है ये। सो गाइस, फाइनली हम अब अपना लेक्चर लेकर जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, बिकॉज एस यू नो कि हमें आज बाहर जाना है। सो अब देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। सो गाइस, हम वॉक करते करते ही जा रहे हैं बिकॉज हमने जहाँ जाना है वो इतना दूर नहीं है। और सीरियसली, मुझे ब्रिज क्रॉस करना और एक रोड क्रॉस करना बहुत ही बुरा काम लगता है। गाइस, यूनिवर्सिटी से निकलने से पहले तो हम कहते हैं बहुत पास तो था, बट यार ये जो गर्मी है ना और इस शिद्दत वाली धूप ने हमारा हशर कर दिया था। फिलहाल तो आप लोग देख ही सकते हैं कि रोड बिल्कुल खाली है, बट स्टिल यार धूप बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं MF, जो कि है शादमान में। हमें यहाँ का टेस्ट बहुत ही पसंद है और मैं बचपन से ही यहाँ पर स्लश और शॉर्मा खाने के लिए आती हूँ। सो गाइस, इनका ये है मेन्यू, बट मैंने हमेशा यहाँ से शॉर्मा ही ट्राई किया और इनका आइसक्रीम स्लश जो कि पीच में है। ऑर्डर देने के बाद गाइस मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आज यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि हमें ऊपर सीटिंग मिली। आ चुकी है, और डालो। केचप भी आ गया, चाट मसाला। ओके, और डाल दो, आप केचप डाल लो। केचप थोड़े सस्ते में। ओके, तो कोल्ड ड्रिंक्स भी आ गई है, साथ शॉर्मा भी आ गया, तो अब आप लोगों को हम खा के बताते हैं कि कैसा है। चार मसाला डालो मीनू। और पाओ जरा, तो कंसोल के गिरा हो। हाँ ना, इसके साथ साथ दोस्तों आ चुका है मेरा आइसक्रीम स्लश। हमने तो यहाँ पे डेरा ही डाल दिया। सही बात है, अब हमने आइसक्रीम खाई और हमने यहाँ पे डेरा ही डाल ली है बस। अब हमारा दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का और हम यहाँ पे 2 घंटे से ऑलरेडी बैठे हुए हैं। क्या हुआ है, क्या हुआ है? दोबारा से यहाँ पे फ्राइज भी मंगवा ली है, बिकॉज हमें डर है कि हमें वो निकालना दे यहाँ से। अंकल सैनिटाइजर ला दे। हमारा बिल भी आ चुका है और हमने दे दिया, अंकल ये बिल ले लें और हम इसके बाद जाएंगे घर। गाइस, अब हम जाएंगे सीधा घर। फिलहाल तो हम रोड पर हैं, अभी हम निकले ही हैं रेस्टोरेंट से, आगे अब देखें होता है क्या। सो गाइस, मुझे घर आते आते शाम पड़ गई है, बिकॉज एज यू नो के बहुत ही जल्दी हो जाती है सर्दियों में शाम। सो गाइस, बैठे बैठे मुझे तो बहुत ही क्रेविंग हुई कि मैं कुछ मीठा खाऊं, तो फिलहाल मैं जा रही हूँ स्टोर कुछ चीज़ें लेने के लिए। और यार सीरियसली, इस वक्त
इतने ज़्यादा मच्छर हैं कि मैं एक सेकंड के लिए दरवाज़ा बंद करने के लिए बस रुकी और मुझे लग रहा था मच्छर मुझे खा जाएंगे। हमारे घर के एरियाज आसपास के बहुत ही ज़्यादा मच्छरों ने कवर किए हुए हैं। स्पेशली जिनके घर में प्लांट्स हैं बस उनके घर तो तौबा ही है, मच्छरों ने तो अपना अड्डा ही बना लिया है। सो गाइस मैं वॉक करती करती जा रही हूँ फिलहाल स्टोर, बिकॉज स्टोर भी मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है। सो गाइस मैं फाइनली स्टोर में पहुँच ही गई हूँ। सो गाइस मैंने आते साथ ही अटैक किया चॉकलेट्स पर। सो गाइस पकड़ लेते हैं एक डेरी मिल्क। सीरियसली यार ये इतनी छोटी कब से हो गई है। आगे देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पे चॉकलेट्स हैं। सो बाउंटी भी ले लेते हैं हम, बिकॉज हमें बाउंटी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस चॉकलेट्स के साथ साथ हम ले लेते हैं कुछ लेस वगैरह भी, बिकॉज हमने घर जाके देखनी है मूवी। और गाइस आप लोगों को तो पता ही है मूवी में अगर खाना पीना हो ना तो यार मज़ा ही नहीं आता, और हमने डिसाइड किया कि आज हम रामलीला देखेंगे। सो गाइस इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आज हमें देखनी है रामलीला। मेरी फेवरेट मूवी है बचपन से, आई डोंट नो व्हाई कि मुझे इतनी पसंद क्यों, मैं जब भी वो देखती हूँ मुझे रोना आ जाता है। सो गाइस स्टोर से फ्री होके हम अब जा रहे हैं घर की तरफ और घर चल के हम देखेंगे मूवी। सो गाइस अभी मैं घर आके बैठे ही हूँ तो मेरे ऊपर दोबारा से मच्छरों ने कर दिया अटैक, और फिलहाल मेरा हो चुका है अब मूड ऑफ। सो गाइस दिस इज माय व्लॉग ऑफ, सो क्या आपको पसंद आया होगा। तो अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।